नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिनभर। मैं हूं शेख जुई। रुक करते हैं दिनभर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में मानसून अब विदाई की तैयारी में है। सितंबर के अंतिम सप्ताह या अक्टूबर के पहले सप्ताह में मानसून की विदाई शुरू होने वाली है। इससे पहले राजस्थान में मानसून एक बार फिर एक्टिव होने वाला है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 3 दिन बाद मौसम एक बार फिर एक्टिव होगा। इससे पूर्व राजस्थान कुछ जिलों में एक बार फिर से तेज बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र जयपुर ने गुरुवार 26 सितंबर को प्रदेश के 6 जिलों में तेज बारिश होने की संभावना जताई है। राजस्थान में भारी बारिश से ज्यादातर सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन सड़कों और पुलों को ठीक कराने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत प्रदेश के 14 जिलों में अत्यधिक वर्ष और बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कें और पुलों के साथ अन्य भवनों की मरम्मत के लिए SDRF से 107 करोड़ रुपए के फंड स्वीकृति दी गई है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने रविवार की देर रात 58 IPS अधिकारियों के साथ 22 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया। इस लिस्ट में 5 जिलों के कलेक्टर शामिल हैं, वहीं 15 जिलों के SP बदले गए हैं। इसके अलावा 8 IAS अधिकारियों और 4 IPS अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। जयपुर में अशोक गहलोत सरकार के समय बनी गांधी वाटिका पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले साल दिसंबर में जैसे ही भाजपा सरकार आई तो सबसे पहले गांधी वाटिका न्यास को निरस्त किया गया। तभी से कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धरना देने की बात कही है। अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए बताया कि 28 सितंबर शनिवार को सेंट्रल पार्क की गेट नंबर 5 पर स्थित गांधी वाटिका म्यूजियम पर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक धरना दिया जाएगा। राजधानी जयपुर में सोमवार को केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। वजह थी राहुल गांधी पर बिट्टू की टिप्पणी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जयपुर एयरपोर्ट के बाहर उन्हें काले झंडे दिखाए और नारेबाजी की। पुलिस ने कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, जिनमें जसवंत गुर्जर, RR तिवारी और स्वर्णम चतुर्वेदी शामिल है। उदयपुर में सोमवार को मदरसे को जमीन आवंटित करने के विरोध में बाजार बंद कर दिया गया। कोई भी दुकान नहीं खुली। सर्व समाज के हजारों लोग पुराने बस स्टैंड पर इकट्ठे हुए। मदरसे के लिए आवंटित जमीन के निरस्तीकरण के लिए मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन भी सौंपा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि चाइल्ड फोन डाउनलोड करना और रखना अपराध के दायरे में। सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में साफ किया कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री डाउनलोड करना और उसे अपने पास रखना अपराध है। बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में मद्रास हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया। हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज केस ये कहते हुए निरस्त कर दिया था कि उसने चाइल्ड फोन डाउनलोड किया, सिर्फ उसे फॉरवर्ड नहीं किया था। आम आदमी पार्टी की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने अपना कामकाज आज संभाल लिया। इस दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल के लिए एक कुर्सी खाली रखी और खुद के लिए कहा कि वो भरत की तरह काम करेंगी। अब इसे लेकर बीजेपी ने दिल्ली सरकार को घेरा है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने खाली कुर्सी को लेकर कहा कि पता नहीं कौन आत्मा दिल्ली को चलाएगी। अब दिल्ली की जनता के मुद्दे पर जवाब खाली कुर्सी से मांगना होगा क्या? इस प्रकार का नाटक करना दिल्ली के जख्म को बड़ा करेगा। बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री और सांसद चिराग पासवान की पार्टी ने तय कर लिया है कि किसके नेतृत्व में वो चुनाव लड़ेगी। लोक जनशक्ति पार्टी ने रविवार 22 सितंबर को ये साफ कर दिया कि वो 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के बैनर तले और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगी। पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार किया गया घोषित अपराधी राजा सोमवार को भागने की कोशिश के दौरान पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। पुलिस ने ये जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि जब राजा को छिपाकर रखे गए हथियारों की बरामदगी के लिए शहर के बाहरी इलाके में एक स्थान पर ले जाया गया तो उसने भागने की कोशिश की और पुलिस दल पर गोली चला दी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एक पुलिस अधिकारी ने आत्मरक्षा में उस पर गोली चलाई, जिससे उसकी मौत हो गई। आज खबर दिनभर में इतना ही। दिनभर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। शुक्रिया।